हेलो फ्रेंड्स मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फोर एवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूं दो वीडियो आ चुकी है जाके देख लीजिएगा निफ्टी का प्रोडिक्शन और एज वेल एज बात करें तीन रुपए का डेट फ्री शेयर जहां पर फंडामेंटल काफी अच्छे नजर आते हैं क्योंकि तो कुछ नेगेटिव पॉइंट भी है वो भी मैंने कवर करे और पॉजिटिव पॉइंट्स बहुत ज्यादा है उसे मैंने ज्यादा कवर किया है और ये शेयर काफी टूट चुका है और इसके बाद अगर भागना शुरू किया अपर सर्किट में जाएगा और पैसे ही यहाँ पर अच्छे खासे बनते हुए नजर आएगा तो देख लीजिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है अब बात करते हैं हम एक पर्टिकुलर शेयर की इसका नाम सभी ने सुना है डी ओके इससे रिलेटेड हम यहाँ पर बात करने वाले हैं आज आज हम बात करेंगे डी से क्यों क्योंकि अगर हम देखें तो आप यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे निफ्टी एफ एम सी डी यहाँ पर डालेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये शेयर यहाँ पर निफ्टी एफ एम सी जी सेक्टर अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है और जिस तरीके से प्राइस हाइक हुए और सब चीज होता हुआ नजर आया है तो यहाँ पर आने वाले टाइम में ये शेयर अच्छा खासा परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे सकता है और जिस तरह और डीमार्ट भी एक उसी सेक्टर में यहां पर आता है एफ एम सी जी सेक्टर में इफ आई एम नॉट रॉन्ग यहाँ पर देख लेते हैं तो आपको यहाँ पता चलेगा रिटेल और ट्रेडिंग में आता है बट एफ एम सी जी सेक्टर में ही करता हुआ दिखाई देता है एज वेल एज यहाँ पर मैं आपको कुछ पॉइंट दिखाऊँ तो यहाँ पर हायर हाँ ये हायर लोज बनते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल है कि यहाँ पर एफ में पूरे का पूरा जो ये सेक्टर है ओके उसमें पूरी की पूरी यहाँ पर बॉटम बन चुका है और चीजें ऊपर जाती हुई नजर आएगी तो इसलिए यहाँ पर डीमार्ट को हमने यहाँ पर चुना है और डी मार्ट की अगर हम बात करें यहाँ पर एक शेयर अच्छा खासा परफॉर्म करता हुआ नजर आ सकता है तो क्या इसमें होता हुआ नजर आ रहा है उससे रिलेटेड बातें करेंगे बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े रिक्वेस्ट करूंगा इन्वेस्ट फॉर चैनल को 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 सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन हिट ऑल के नोटिफिकेशन ऑन ताकि जब भी वीडियो डाले ये वीडियो मिले आप जाके देख सके सीख सके चेक कर सके तो ये वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं सबसे पहले बिजनेस मॉडल की बात करूं तो देखिये पर रिटेल का बिजनेस दिखा रहा है रिटेल के बिजनेस में नो डाउट बट यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो ये पर्टिकुलर कंपनी है ना ये काफी बेहतरीन कंपनी है काफी बड़ी कंपनी है और अगर हम यहाँ पर देखें तो ये किसकी कंपनी है ये है राधा कृष्ण दामानी सर की ओके राधा कृष्ण दामानी सर का आपने नाम सुनाई है ओके इनकी ये पर्टिकुलर कंपनी है और आपने यहाँ पर इनके बारे में सुना ही होगा कि ये बिजनेसमैन तो है ही है और जिस तरीके से इनके आप पांच फिफ्थ और टेंथ नंबर पे यहाँ पर आते हैं टॉप टेन में पर इंडिया के रिचेस्ट पर्सन में आते हैं और जो ये पर्टिकुलर कंपनी है ज्यादातर सामान क्या बेचती हुई नजर आती है यहाँ पर रिटेल का सामान मतलब यहाँ पर जो एफ के प्रोडक्ट्स है वो ज्यादा बेचती सेल आउट करती हुई नजर आती है आप नॉर्मल शॉप में जाएंगे ओके किसी भी यहाँ पर आपके पड़ोस में यहाँ पर कोई भी शॉप होगी उसमें जाएंगे तो आपको जो प्रोडक्ट यहाँ पर वहां पर शॉप में कितना रुपए का मिलेगा सौ रुपए का मिलेगा मान के चलिए तो यहाँ पर आपको वो वो प्रोडक्ट सत्तर रुपए में यहाँ पर मिलता हुआ नजर आएगा प्लस में टू वन वन पर पर फ्री भी मिलता है अलग अलग यहाँ पर चीजें चलती हुई नजर आती है काफी बेहतरीन यहाँ पर ये कंपनी नजर आती है।, तो है इस कंपनी के बारे में और भी बहुत कुछ पढ़ेंगे इसका बिजनेस मॉडल समझेंगे आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर समझ में आएगी एज वेल एज इसके बात करें न्यू स्टोर्स की कंपनी लगातार हर क्वार्टर हर साल यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐड करते हुए नजर आ रही है यहाँ पर सबसे पहले ये ज्यादा किस पर थी महाराष्ट्र में थी अब बात करें तो देखिए यहाँ पर ये जालंधर मतलब पंजाब में पहुंच चुकी है गुजरात में यहाँ पर पहुंच चुकी है सूरत में यहाँ पर है इसमें तमिलनाडु में तो ये है ही है महाराष्ट्र में यहाँ पर ये नए नए स्टोर की बात कर रहे हैं जो यहाँ पर ओपन हुए बट इसके अलावा महाराष्ट्र पूरा मुंबई इसने कैप्चर कर रखा है बात करें यहाँ पर राजस्थान इसने कैप्चर कर रखा है गुजरात इसने कैप्चर कर रखा है कर्नाटक इसने कैप्चर कर रखा है धीरे धीरे यहाँ पर ये दिल्ली एनसीआर में भी आ रही है अगर बात करें फरीदाबाद में भी है गुड़गांव में भी है डेली में भी है और धीरे धीरे अब जगह नहीं मिल रही है इन्हें क्यों क्योंकि इनका क्या है ये ये सीधा सीधा का सीधा करते हैं हैं सीधे पर ये पूरी तैयार कर देते ताकि इन्हें क्या ना देना पड़े इन्हें रेंट ना देना पड़े और अगर रेंट नहीं पे करेंगे तो ऑब्वियस बात है इसी वजह से जो ये प्रोडक्ट्स यहाँ पर सेल आउट करते हैं ना ये सारे प्रोडक्ट्स इसलिए यहाँ पर इस पर्टिकुलर आ, आ, यहाँ पर कंपनी में इस पर्टिकुलर रिटेल चेन में यहाँ पर सस्ते नजर आते हैं तो इस चीज को आपको समझना होगा हर चीज मिलती हुई नजर आती है ग्रोसरी डेली एशंस डेली फ्रोजन डी मार्ट ब्रांड्स के इन्होंने खुद का एक ब्रांड बना रखा है जिसमें हर एक सारे के सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर देते हुए नजर आते हैं तेल से लेके घी से लेके यहाँ पर सारे के सारे स्पाइसेस एज वेल एज बात करें यहाँ पर सारे के सारे पल्सेस सब कुछ यहाँ पर देते नजर आते हैं होम केयर एंड पर्सनल केयर में भी है बेड पाथ में भी है ओ, ओ, ओके यहाँ पर सारे के सारे प्रोडक्ट्स नजर आते हैं इनका जो ये सेगमेंट है ओके जो यहाँ पर कपड़ों का सेगमेंट है वो यहाँ पर खास नहीं है टू बी वेरी फ्रेंड मैंने खुद यूज किया है बट अगर मैं बात करूँ बाकी सारी चीजें यहाँ पर अच्छी खासी नजर आती है फ्रूट्स में मैंने देखा नहीं बट फ्रूट्स में भी ये कंपनी काम करती अब शुरू कर दिया होगा और अगर हम यहाँ पर बात करें काफी बेहतरीन और काफी अच्छे यहाँ पर ज्यादा स्टोर के नजर आते हैं जो कि और आप इस कंपनी के बारे में पढ़ेंगे तो आपको और पता चलेगा की कि इनके कितने यहाँ पर स्टोर हो गए और कहाँ कहाँ पर ये अगर बात करें टू एटी -फोर में यहाँ पर ये आ गए है जिसमें महाराष्ट्र गुजरात आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश कर्नाटक तेलंगाना छत्तीसगढ़ एनसीआर तमिल तमिलनाडु पंजाब एंड राजस्थान तो यहाँ पर अलग अलग प्लेसेस पे आते हुए नजर आ रहे हैं तो जाके देखिए सर्च करिए तो आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर पता चलती हुई नजर आएगी अब बात करते हैं इसके फाइनेंशियर्स की लार्ज कैप कंपनी है दो लाख बीस हजार करोड़ का मार्केट कैप है पी की बात करें 148 का पी है और इंडस्ट्री का पी है टू है तो यहाँ पर ये शेयर क्या हो गया सस्ता ओके okay, पर जहाँ पर ये शेयर पे चल रहा था, उस टाइम ये शेयर महंगा नजर आ रहा था, था।, था। तो नाइन हंड्रेड तक गया था अभी ये आधे आधे पे रह गया है और अगर हम बात करें उस टाइम ये महंगा हो गया था अभी ये टू फिफ्टी के कम्पेरिजन है तो सस्ता हो गया है शेयर अगर सस्ती चीज अगर अभी नहीं खरीदेंगे तो फिर कब खरीदेंगे शेयर डेट फ्री शेयर है किसी हम

यहाँ पर अभी बात करें इस पर्टिकुलर क्वार्टर में थोड़ा सा यहाँ पर आ, हम देखे तो कम होता हुआ नजर आई थी सेल्स बट अगेन दोबारा जब अभी सेल्स आएगी तो अच्छी खासी आएगी इसी वजह से शेयर कुछ यहाँ पर अगर बात करें कुछ इसी वजह से थोड़ा सा यहाँ गिरा है, जस्ट बिकॉज ऑफ सेलिंग हो रही थी इसलिए यहाँ पर गिरता हुआ नजर आया बट स्टिल मार्जिन अभी भी यहां पर ईयरली बेसिस पे अच्छा खासा है अगली बार के मार्जिन और अच्छे खासे आते हुए दिखाई देंगे प्रॉफिट की बात करें कंपनी था यहां पर देखिए सात सौ आठ सौ करोड़ का प्रॉफिट नेट प्रॉफिट की बात करें यहां पर देखिए चार सौ सत्ताईस करोड़ का प्रॉफिट इससे पहले पांच सौ तिरपन करोड़ का प्रॉफिट अच्छा खासा प्रॉफिट है और ईयरली बेसिस पे दो हजार बारह में जहां बाईस सौ करोड़ की सेल थी अभी तीस हजार करोड़ की केवल साल में एक सेल है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें आठ परसेंट के हिसाब से यहां पर चल रहा है चौबीस सौ करोड़ रुपए पच्चीस सौ करोड़ के आसपास का ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ओवरऑल सब कुछ देने के बाद टैक्स वगैरह देने के बाद अगर बात करें पंद्रह सौ करोड़ रुपए कंपनी यहाँ पर हर साल कमा रही है और लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और जैसे जैसे स्टोर बढ़ रहे हैं याद रखिए है, वो सब कुछ यहाँ पर और बढ़ता हुआ नजर आएगा इनकी रेवेन्यू और सब चीज रिजर्व की बात करें कहा दो हजार बारह में एक सौ अड़तालीस करोड़ का रिजर्व था अभी तेरह सौ करोड़ तेरह हजार करोड़ का रिजर्व है बोरिंग कम होता हुआ नजर आया छह सौ उनतालीस करोड़ की थोड़ी सी बोरिंग है इसके कंपेरिजन में यहां पर देखिए कंपनी ने वर्किंग बो में इसमें ग्यारह सौ उनतीस करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च कर रखे हैं मतलब क्या है पूरा कहीं ना कहीं स्टोर लेने लैंड एक्वायर करी होगी ओके वहाँ पर ये का, आ, आ, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया होगा छह करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी है कैश की बात करें तीन सौ करोड़ के आसपास का कैश भी है कैश यहाँ पर से थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आया है अब बात करते हैं प्रोमोटर्स की होल्डिंग एज इट इज बने हुई है राधा कृष्ण दमानी सर बेचना ही नहीं चाहते भाई नहीं बेचने अपने शेयर अपने शेयर है अपने पास ही रखेंगे एफ की बात करें ना के बराबर थोड़ा सा कम किया है डी की बात करें उन्होंने हिस्सेदारी बढ़ाई है कम नहीं करी है और पब्लिक की बात करें पब्लिक के पास 9% की हिस्सेदारी है इसमें से इग्नेटियस नेवी नोरोन्हा के पास 2% की हिस्सेदारी है तो लगभग कितना 8 7.4% की हिस्सेदारी किसके पास है पब्लिक के पास है डीमार्ट की अगर हम बात करें शेयर अच्छा है शेयर बेहतरीन है अच्छा खासा शेयर यहां पर अगर मैं बात करूं टूट चुका है ओके okay, और अगर हम यहां पर देखें कितना टूट चुका है तो आपको यहाँ पर पता चलेगी ये शेयर लगभग लगभग लग, चालीस से बयालीस परसेंट तो यहाँ पर टूट चुका है 6000 के आसपास का हाई बनाया था इस पर्टिकुलर शेयर ने और अब आपको चौतीस सौ रुपए अब यहाँ पर क्या करने की जरूरत है देखिए यहाँ पर एक मैं बात करूं तो यहाँ पर एक ट्राइंगल बनता हुआ नजर आ रहा है इस ट्राएंगल को जब भी तोड़ दिया ओके okay, यहाँ पर अच्छा खासा शेयर भागेगा अभी की बात करूं एक बेहतरीन सपोर्ट में यहाँ पर शेयर चल रहा है ये दो अच्छे नजर आ रहे हैं सपोर्ट बट जो इसने अभी हाई लो बनाया था ओके

क्या है रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं ये है इसका नजर आ रहा है रेजिस्टेंस ओके पर जब तक ये इंटैक्ट है इंटैक्ट है जैसे इसने ये लेवल चार सौ चार हजार छत्तीस का निकाला तो इसमें एक तेजी होती हुई नजर आएगी जो इसे अच्छे खासे लेवल पे ले जाएगी अब बात करते एफ एम सी जी सेक्टर धीरे धीरे चल रहा है ओके इन्फ्लेशन धीरे धीरे खत्म हो रही है जैसे जैसे धीरे धीरे इन्फ्लेशन खत्म हो रही है धीरे धीरे इन्फ्लेशन खत्म होगी छह महीने एक साल के अंदर अंदर तब तक ये शेयर तब तक थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन करेगा ओके okay, हो सकता है थोड़ा बहुत कंसल्टेशन करे यहीं पर ही नाचे थोड़ा सा नीचे जाए थोड़ा सा ऊपर जाए फिर नीचे आए इस तरीके से करता हुआ नजर आएगा और जैसे ही सब चीज खत्म होएगी तो याद रखिए निफ्टी जिस दिन भागना शुरू किया है याद रखिए निफ्टी को देखते रहिए साथ साथ निफ्टी ने भागना शुरू किया ओके जिसने सारे के सारे एवरेज यहाँ पर निकालते हुए दिखाई दिए सारे रजिस्टर्स तोड़ता हुआ दिखाई देगा तो डी उसी दिन से यहाँ पर रैली करना शुरू कर देगा और ये शेयर ऐसा शेयर है जो आपको मल्टी रिटर्न बना के देगा डिविडेंड की बात करें कंपनी यहाँ पर अच्छा खासा डिविडेंड देती है एक बार देख लेते हैं ओके okay, मेरे पास ये शेयर नहीं है टू बी वेरीफाइंग तो इस चीज को भी याद रखिएगा कंपनी uh, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं अलग अलग चीजें आप आपको यहाँ पर सारा चीज पता चल जाएगा क्यू आई वगैरह निकालता रहता है काफी कुछ तो पर्टिकुलर कंपनी में यहाँ पर अच्छा खासा है तेरह करोड़ रुपए का अगर मैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग एक बार देख लेते हैं hmm. हजार करोड़ का यहां पर कैश पड़ा है कैश पड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है बोनस भी दे बोनस दे कभी भी यहां पर बोनस अनाउंस कर देगा कभी भी यहां पर स्प्लिट अनाउंस कर देगा शेयर और कम आ जाएगा फिर दोबारा खरीददारी होती हुई नजर आएगी थोड़ा सा यहाँ पर वेट करिए शेयर भागता हुआ नजर आएगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस जैसे ही टूटा तो और यहाँ पर बूम आता हुआ नजर आएगा तो ये ट्रेडर के लिए बट अगर कोई इसी का लॉन्ग टर्म का विजन है शेयर में इन्वेस्ट करिए ये शेयर अगर राधा कृष्ण दामानी यहां पर अरबपति बनेंगे तो आपको लखपति और करोड़पति तो बना के छोड़ेंगे तो बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करें वीडियो अच्छी लगे लाइक करें कमेंट करें शेयर करें इन्वेस्ट करो चैनल को सब्सक्राइब करें सो थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस